हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमाज किचन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू ईयर और क्रिसमस आने ही वाला है, तो आज न्यू ईयर और क्रिसमस पार्टी के सेलिब्रेशन के लिए मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिश लेकर आई हूँ। हालांकि ये है तो नॉर्मल ही, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा स्पेशल बनाने की कोशिश की है। आज मैं आपको बटर स्कॉच केक बनाने की रेसिपी बताऊँगी, और इसमें ख़ास ये है कि आज का ये बटर स्कॉच केक हम बिना कंडेंस्ड मिल्क, बिना ओवन और बिना एग के बनाएंगे। और इसमें मैं फ्लेवर दूंगी बटर स्कॉच का। और चलिए अब देख लेते हैं कि हमें बटर स्कॉच केक बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। बटर स्कॉच केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कटोरी मैदा। इस मैदे को मैंने स्ट्रेनर से पहले स्ट्रेन कर लिया है, उसके बाद में यहाँ पर रखा है। इसके अलावा अगर हम 1.5 कटोरी मैदा लेंगे तो उसके साथ में हम 1 कटोरी चीनी लेंगे और 1 कटोरी ये दही लेंगे। और साथ में हमें चाहिए एक टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसके अलावा हमें चाहिए 1/2 कटोरी तेल, ये रिफाइंड ऑयल है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं इसके साथ में। अगर आप 1.5 कटोरी मैदा लेंगे तो उसके साथ में हमें 1 कटोरी दही लेना है और 1/2 कटोरी हमें तेल लेना है। और चीनी मैंने यहाँ पर 1 कटोरी लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं ज़्यादा मीठा या कम मीठा। इसके अलावा मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर काट के रखे हुए छोटे छोटे। और इसके साथ में यहाँ पर मैंने ये एसेंस यूज़ किया है बटर स्कॉच का, और बटर स्कॉच फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीनी और ली है और साथ में ये बटर लिया है। तो हम इससे पहले कि हमारे केक का बैटर तैयार करें, हम सबसे पहले बटर स्कॉच फ्लेवर बनाने के लिए ये बटर से और चीनी से एक चिक्की बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए पहले हम चिक्की बनाकर तैयार कर लेते हैं। बटर स्कॉच चिक्की बनाने के लिए हम एक पैन में बटर को डालेंगे और इसको मेल्ट कर देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें हमारी शुगर ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक हमारी शुगर जो है वो कैरमलाइज नहीं हो जाती अच्छी तरह से। जब तक ये शुगर इसमें मिक्स होगी अच्छे से, तब तक हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट को थोड़े से घी या बटर से ग्रीस कर लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा प्लेन मैदा डाल देंगे। ये देखिए मैंने प्लेट तैयार कर ली है, इसमें मैंने बटर लगा दिया और उसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा मैदा ऐसे स्प्रिंकल कर दिया है। इस प्लेट के ऊपर हमारी ये जो चिक्की बनेगी इसे हम डालेंगे और फिर लगभग आधे घंटे के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अब हम इसको एक प्लेन बर्तन में डाल देंगे। फ्रेंड्स, अब हम हमारी इस सारी चीज़ों से एक बैटर बनाकर तैयार करेंगे केक का। तो जब तक हम अपना हमारे केक का बैटर बनाएंगे, उससे पहले हम एक कुकर या कढ़ाई में, बड़ी कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डाल देंगे, लगभग 1 कप। चलिए कर देते हैं काम पहले। यहाँ पर मैंने बड़ी साइज़ की कढ़ाई में लगभग 1 कप नमक डाल दिया है। गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और इस नमक को अच्छे से पूरी जगह पर ऐसे फैला देंगे। ये जो हम कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं ये हम ओवन की तरह यूज़ करेंगे, ये हमारा बेकिंग ओवन है एक तरह से। अब इसको हम प्री हीट करेंगे, जब तक हम हमारा बैटर तैयार करेंगे तब तक इसके ऊपर हम ये रॉड की स्टैंड रख देंगे और जो उसका लिड है हमारे कढ़ाई का उसको हम ऐसे ढक देंगे। और जब तक ये प्री हीट होगा तब तक हम जो हमारा बैटर है उसे बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने एक ये बर्तन लिया है मिक्स करने के लिए हमारे बैटर को, और इसमें हम ये हमारा मैदा ऐड करेंगे जो हमने 1.5 कटोरी लेकर रखा हुआ है। इस मैदे में हम चीनी डालेंगे। बेकिंग
बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पहले। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम ये एक कप दही, इसे भी मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए दही मिक्स हो गया है, अब हम इसमें आधा कप ऑयल डालेंगे, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें हमारा एसेंस ऐड कर देंगे, बटर स्कॉच एसेंस। ये जो बैटर हम बना रहे हैं इसे हम ध्यान रखिएगा कि एक ही साइड से घुमाते हुए ऐसे इसे हम मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको नीड लगे तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका बैटर थोड़ा ज़्यादा थिक हो गया है तो इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करें, सॉरी पानी नहीं, मिल्क ऐड करें आप। लेकिन ये मेरा बैटर एकदम परफेक्ट है, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए परफेक्ट केक बनाने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा नीड लगे तो एक दो चम्मच आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे अच्छे ऐसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए बैटर बनकर तैयार हो चुका है, इसे हम साइड में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। आपको मैं दिखा देती हूँ मैंने जो चिक्की बनाकर तैयार की है। इसे हम चाकू की सहायता से इस प्लेट से निकाल लेंगे, ये देखिए ऐसे। और इसे हम थोड़ा सा हल्के हाथों से ग्राइंड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे पीसना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करना है ताकि जब हम केक को सर्व करें या खाएं तो जो इसका टेस्ट है वो थोड़ा सा क्रंची आए। इसलिए हम इसे बिल्कुल पीस कर पाउडर नहीं बनाएंगे। ये देखिए थोड़ी सी चिक्की मैंने इसमें ग्राइंड कर ली है, ये देखिए। अब इसे हमने जो बैटर बनाकर तैयार किया है उसमें डालेंगे, इस बैटर में इसे अच्छी तरह से इसमें हम मिक्स करेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चलिए अब हम इसे एक केक के बर्तन में रखेंगे। आप जो बर्तन यूज़ करना चाहे केक के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये बोल लिया है, इसमें हम हमारा केक बनाएंगे। इसे पहले हम ग्रीस कर लेते हैं थोड़ा सा ऑयल से, ऐसे। ग्रीसिंग बहुत ज़रूरी होती है वरना हमारा केक जो है वो चिपक जाएगा नीचे। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर दिया है। आफ्टर ग्रीसिंग हम इसमें थोड़ा सा प्लेन फ्लावर डालेंगे, मैदा डालेंगे, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा। ये देखिए ऐसे मैंने बोल को ग्रीस कर दिया है। अब हम इसमें हमारा जो केक का बैटर बना कर रखा है हमने वो डालेंगे इस तरह से। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है केक बनाने में। केक का बैटर हम बोल में डालने के बाद इसे थोड़ा सा ऐसे हिला देंगे इस तरह से। इस तरह से
और हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ऑप्शनल है, आप चाहे तो करें ना चाहें तो कोई बात नहीं। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स इस पे डाल दिए हैं। अब हम हमारे इस केक के बैटर को बेक करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि हमारा जो हमने कढ़ाई रख रखी थी नमक डालकर, वो अच्छी तरह से प्रीहीट हो चुकी है या नहीं। ये देखिए हमारा आर्टिफिशियल ओवन प्रीहीट हो चुका है। इसमें हम ये केक का बैटर यूँ रख देंगे और जो इसका लिड है वो हम क्लोज़ कर देंगे इस तरह से, और गैस की फ्लेम को हाई मीडियम फ्लेम पर हम कर देंगे और इसे लगभग 40 मिनट के लिए इसमें हम बेक होने देंगे। 40 मिनट हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं कि हमारा केक बेक हो गया या नहीं। एक फोक की सहायता से हम इसको पिक करके देखेंगे। अगर इसमें हम इस फोक को डालेंगे, अगर इस फोक पे ज़रा सा भी इसका मटेरियल लगता है तो इसका मतलब बेक नहीं हुआ। और ये देखिए फोक में कुछ भी नहीं लगा, इसका मतलब केक बेक हो चुका है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इस केक को बाहर निकाल लेंगे और आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद ही हम इस केक को इस बर्तन में से बाहर निकालेंगे। आधा घंटा हो चुका है, अब हम इस केक को यूँ साइड से थोड़ा सा चाकू का इस्तेमाल करते हुए, वैसे चाकू का ज़्यादा इस्तेमाल करने की मुझे ज़रूरत है नहीं, पर मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ कि अगर आपका केक थोड़ा सा भी चिपक जाता है तो यूँ चाकू का इस्तेमाल करके केक को निकाल सकते हैं। वैसे मैंने इसमें नीचे से ग्रीसिंग कर रखी थी इसलिए ये केक मेरा चिपका नहीं है नीचे से। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे मैंने देखिए ये प्लेट को इस केक के ऊपर यूँ ढक दूँगी मैं और इसे यूँ टर्न कर दूँगी तो ये केक आराम से निकल आएगा। ये देखिए मैंने इसे पलट दिया है, अब मैं इसको यूँ उठाऊँगी तो मेरा केक पूरा इजीली निकल आएगा। ये देखिए केक बाहर आ चुका है पूरा और ये सुपर स्पॉन्जी बनाए केक हमारा। अब हम इस केक को एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसमें अपनी मनपसंद की इसमें अच्छे से इसका डेकोरेशन कर सकते हैं। लीजिए दोस्तों, मैंने केक को एक घंटे के बाद फ्रिज से निकाल कर इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है। आप चाहे तो इसमें व्हिप्ड क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। ये केक मैंने विदाउट ओवन, विदाउट कंडेंस्ड मिल्क और विदाउट एग बनाया है। तो दोस्तों, इस क्रिसमस और इस हैप्पी न्यू ईयर पर आप इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।